सारी दुनिया कह रही थी कि दिल्ली में जो है कभी मोदी नहीं आएंगे, आ गए। सारी दुनिया पता नहीं क्या कह रही थी और दिल्ली में आम आदमी की सरकार आई। तो हम क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, एक डिस्कनेक्ट है। हम बैठ के अपने एसी रूम में बैठकर हम कुछ सोच रहे हैं, आंकड़े हिसाब किताब लगा रहे हैं, ये ऐसा होगा तो ये होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। जो हम जो बैठ के समीकरण, ये ब्राह्मण, अभी हम यूपी के बारे में हमने शुरू कर दिया, ब्राह्मण वोट इधर जाएगा, ये वोट इधर जाएगा, 50-60 साल में ये वो पब्लिक है जिसने 77 में बगैर किसी मीडिया को देखे, बगैर किसी, कोई टीवी चैनल नहीं था, एक दूरदर्शन ही था जो सरकारी भोंपू था, उसको उसको देखकर भी, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, 77 में उठा के फेंक दिया था। ये वो देश की जनता है, हम उनको अंडर एस्टिमेट ना करें, उनके विवेक पर प्रश्न चिन्ह ना करें। इस देश की जनता की सबसे विवेकपूर्ण, सबसे परिपक्व लोकतंत्र की जनता है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे हमारे हिसाब से, लेकिन उनसे परिपक्व, उनको जितनी समझ है, उनको पता है कि केंद्र में किसको भेजना है, राज्य में किसको लाना है, एमसीडी में किसको लाना है, दिल्ली में किसको लाना है। उनकी जितनी समझ है उतनी हमारी नहीं है। तो इसलिए हमारा काम है जितना निष्पक्षता से समाचारों को लोगों तक पहुंचाएं, उनको अलग अलग पहलू से रूबरू करवाएं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये मेरी भूमिका है। और इसलिए एक सतत प्रयास, अपने आप को मैं एक जिज्ञासु और एक आजीवन छात्र का, एक पत्रकार एक आजीवन छात्र होता है, मैं अभी भी अपने आप को एक छात्र समझता हूं, बहुत कुछ सीखता हूं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं आप सबको, एक जो मूल मंत्र मैं सबको देता हूं, सभी मीडिया के छात्रों को, क्योंकि वो मेरा मंत्र रहा है, वो फिल्म में वो कहती है ना विद्या बालन, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो वैसे ही जो है मैं कहता हूं अध्ययन अध्ययन अध्ययन। आप जितना पढ़ेंगे, और पढ़ना मतलब सिर्फ पत्र पत्रिकाएं नहीं, साहित्य, साहित्य से पत्रकारों का नाता ही टूट गया है, अब तो कोई पढ़ता ही नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपकी समझ बढ़ेगी, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है अध्ययन से। आज पत्रकारिता में अगर कोई क्राइसिस है तो मैं मानता हूं सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि हम पढ़े बगैर लिख रहे हैं और सुने बगैर बोल रहे हैं, ये आज सबसे बड़ी क्राइसिस है। हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, देखते हैं ना, किसी को बोलने नहीं देते, हमें अपनी आवाज सबसे पसंद है, अरे भाई बोलने तो दो, बुलाया है तो, मैंने तो जाना छोड़ दिया, दो बार लिया उसके बाद उनका खुद फोन आया, अब हमारे शो में आते नहीं है, मैंने कहा शक्ल दिखाने का शौक नहीं है साहब, आप बिठा के रखते हैं, एक घंटे मुझू की तरह बैठा रहता हूँ, मुंह खोलते ही आप बोलने लग जाते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, प्रभु आप ही बोलिए। तो मैंने बोलना छोड़ दिया, मैंने जाना ही छोड़ दिया। तो इसलिए आज क्या है कि अपनी आवाज हमको सबसे अच्छी लगती है, हमको ज्ञान देने में बड़ा अच्छा लगता है, राष्ट्र के नाम संदेश है तो फिर उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। इसलिए समझदारी बहुत जरूरी है, बस वही है, हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं। हम क्या मुद्दे उठा रहे हैं, अक्सर कभी कभी मुझे बड़ा हास्यास्पद ये लगता है, कभी कभी हमारे यहां डिबेट होता है, क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं वो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, अरे गिरफ्तारी कोई सजा है क्या, गिरफ्तारी तो सजा है ही नहीं भैया, गिरफ्तारी तो आपको पकड़ के चार सवाल पूछ के बाद में छोड़ा जा सकता है, गिरफ्तारी कोई सजा थोड़ी है। अच्छा गिरफ्तारी के बाद फिर हम उस मुद्दे के बारे में भूल जाते हैं, कोई गिरफ्तार हो गया, अरे भाई उसके बाद क्या हुआ, दूसरा हम विरोध करते हैं उसको बेल कैसे मिला, उसको बेल कैसे मिला, अरे मानवाधिकार है बेल मिलना, इस देश का कानून उसके लिए प्रावधान बनाता है,
सिर्फ नॉन बेलेबल क्राइम्स के लिए ही बेल नहीं मिलेगा। बेलेबल क्राइम्स मतलब उसको भाई बेल मिलना उसका अधिकार है। अगर ये अधिकार जिस दिन चला गया, मैं और आप अंदर चले जाएंगे। और हम क्यों चिल्लाते हैं किसी को बेल मिलने पर, फिर भी हम चिल्लाते हैं उसको बेल मिल गया। तो चीजों को समझने का एक वो तभी हम समझ पाएंगे जब हम अध्ययन करेंगे। मैं बस एक दो बातें और कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं, समाप्त करता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आने वाले 2-3 सालों में ही मीडिया में बहुत ज्यादा ओपनिंग्स होने वाली है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर खुलने जा रही है। सिर्फ KPMG फिक्की के स्टडी के हिसाब से ही 63,000 से ऊपर नौकरियां आपके लिए इंतजार कर रही है। और ढेर सारे मीडिया स्कूल्स हैं और वहां कोई गॉडफादर आपको एक बार एंट्री तो दिला सकता है लेकिन आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 6 महीने में छुट्टी हो जाएगी अगर आपकी अपनी काबिलियत नहीं है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इसलिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना है आपको। ये जरूरी है कि हम सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही ना रेडी हो, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपने आप को स्किल को अपग्रेड कर लिया, थोड़ा टेक्नोलॉजी समझ गए, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि वो तो सब करके आ रहे हैं, हर इंस्टीट्यूट से, हर संस्था में सिखाई जा रहा है कि अभी ये कैमरा कैसा है, वो कैमरा कैसा है, इसमें क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या है, सॉफ्टवेयर क्या क्या है, सब सीख के आ रहे हैं। आप में और दूसरे छात्र में फर्क क्या, आप में और दूसरे कैंडिडेट में फर्क क्या जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे और वहां आपका ये अध्ययन काम आएगा। वहां आप उसको बता सकते हैं सामने जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठा है कि मैं भारत के संविधान के बारे में क्या जानता हूं, मैं इतिहास के बारे में क्या जानता हूं, और जब मैं माइक पकड़ के खड़ा होऊंगा तो मैं किस तरीके से समा बांध सकता हूं, क्योंकि विषय की समझ मुझे है। ये आपको इसकी तैयारी कर रही है और बहुत काबिल प्रोफेसर से इस विश्वविद्यालय में, और वो आपको इसके लिए तैयार करेंगे। लेकिन सिर्फ क्लासरूम से नहीं चलेगा, मैंने कहा आपको पढ़ाई भी करनी है, इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर भी लेना है, और आपको बाकी विषयों पर भी आपको समझ होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खेलकूद में इंटरेस्ट नहीं है। ए जर्नलिस्ट हैज टू बी ए जर्नलिस्ट। स्पेशलिस्ट तो बनी, वो तो बनी है, एक विषय पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन सभी विषयों में रुचि होनी चाहिए। क्योंकि कब कौन सा विषय हाथ लग जाए इसका भरोसा नहीं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का। मेरा खुद का 17 आरंभ का कार्यक्रम चल रहा है IMC में, लेकिन माखनलाल से अगर आदेश है तो फिर आना ही पड़ेगा। और बीच बीच में जब भी आप बुलाएंगे आता रहूंगा, और आप सबको नए सत्र का बहुत बहुत शुभकामनाएं।